हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम, पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। मैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल की जहां पर स्थित मनमोहक पहाड़, नदी, घाटियां तथा प्राकृतिक घटा आपको यहां मंत्रमुग्ध कर देगी, जहां लोकल ही नहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अपने आप को यहां आने से नहीं रोक पाते हैं। जी फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित एक ऐसे गाँव की जिसे भारत के इजराइल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। हिमाचल की गोद में बसा कसोल छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत व मनमोहक पर्यटन स्थल है। पार्वती घाटी में बसा कसोल इजरायली पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय प्लेस है। आपके यहाँ पहुँचते ही आपको इजरायली व भारतीय संस्कृति का एक मिश्रित नज़ारा आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो कपल्स बैचलर फ्रेंड्स, यह वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कसोल से जुड़ी हर एक बात जो आपकी यात्रा को सरल बनाएगा, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिना किसी कन्फ्यूजन के ट्रिप प्लान कर सकेंगे। इस वीडियो में कसोल ट्रिप से जुड़ी हर एक जानकारी साझा करेंगे, जैसे कसोल कैसे पहुँचे, वहाँ पे कहाँ ठहरे, सस्ते रूम्स व होटल्स की सुविधा, कहाँ घूमे, कसोल के आसपास के पर्यटन स्थल, खान पान की सुविधा, साथ ही कसोल ट्रिप पर लगने वाले कुल समय व कुल खर्च के बारे में। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कसोल कैसे पहुंचे। तो दोस्तों कसोल पहुंचने के लिए मुख्य रूप से तीन मार्ग हैं, जिसमें रेल मार्ग, हवाई मार्ग व सड़क मार्ग हैं। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हवाई मार्ग की। तो कसोल एक छोटा गांव होने के कारण यहां पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो फ्लाइट सुविधा के लिए आपको कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, जिसे भुंतर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यह एयरपोर्ट देश के कई एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। दिल्ली से तो आपको हर दिन फ्लाइट्स यहाँ के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। आप एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद एग्जिट से टैक्सी व कैब लेकर आसानी से कसोल तक पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से कसोल की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है। यहाँ से आप बस, टैक्सी व रेंट पर गाड़ी लेकर कसोल की ओर आसानी से जा सकते हैं। नॉर्मली टैक्सी वाले भुंतर से कसोल तक 400 से 600 रुपए किराया चार्ज करते हैं। वहीं आप यदि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बस HRTC बस से जाएंगे तो आप 120 रुपए से 150 रुपए में आसानी से कसोल पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। वहीं यदि आप ट्रेन के जरिए पहुंचना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बाय ट्रेन पहाड़ी एरिया होने के कारण यहां कोई रेलवे स्टेशन सिचुएटेड नहीं है, पर आप जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। इसकी दूरी कसोल से लगभग 125 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आप कसोल तक जाने के लिए आसानी से कैब व टैक्सी मिल जाएंगी। यदि आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन के लिए नहीं मिलती है तो आप पठानकोट रेलवे स्टेशन भी पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी कसोल से लगभग 150 किलोमीटर है। आपको बता दें कि दिल्ली से जोगिंदर नगर और पठानकोट के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल हैं। यदि आप इस रूट का सिलेक्शन करते हैं तो आप 1000 रुपये से 1500 रुपये तक इजली कसोल तक पहुंच सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आप प्रकृति की सुंदरता को और करीब से देखना व महसूस करना चाहते हैं तो आप बाय रोड ट्रेवल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यह आपकी इस जर्नी को और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाएगा। दोस्तों यदि आप बस या टैक्सी के थ्रू कसोल पहुंचना चाहते हैं तो यह बहुत इजी वे होगा, क्योंकि कसोल NH3 के थ्रू वेल कनेक्टेड है। मनाली को कसोल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी यही है। इसके साथ ही साथ आप दोस्तों वॉल्वो बस स्लीपर को बुक करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। दोस्तों आपको कुछ बसें दिल्ली से डायरेक्ट कसोल के लिए मिल जाएंगी, जो आपको मजनू का टीला व कश्मीरी गेट से प्राप्त हो जाएंगी। यह बसें 700 रुपये से 1400 रुपये तक आपकी सुविधा अनुसार चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और वहीं कुछ बसेस आपको भुंतर बस स्टॉप तक ड्रॉप करेंगी, जहां से आगे जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां से आप HRTC बस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग 120 रुपये से 150 रुपये तक होता है। साथ ही दोस्तों ड्राइविंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आप रास्ते पर सुंदर पहाड़ों व हरी भरी प्रकृति को देखना चाहते हैं तो आप गाड़ियां रेंट पर लेकर कसोल पहुँच सकते हैं। आप रेंट में स्कूटी, मोटर बाइक व कार भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यहाँ पर अलग अलग वाहन 600 से 1500 रुपए तक के बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप प्राइवेट टैक्सी को भी हायर कर सकते हैं, इसका किराया कम से कम 1000 रुपए से 1200 रुपए तक चार्ज करना पड़ सकता है। साथ ही आप लोकल बसेस का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कसोल पहुंच चुके हैं। कसोल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हम वहां कहां स्टे करें। दोस्तों यहां आपको रुकने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कसोल बिल्कुल आपकी बजट के अनुसार ही प्लान किया हुआ ट्रिप है। आपको यहां बहुत से छोटे होटल्स, डॉर्मेट्री होटल्स, रूम्स की अवेलेबल आसानी से हो जाएंगी, जिसका लोअर प्राइस 200 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक पर नाइट हो सकता है।
यदि आप एडवेंचर प्रेमी हैं तथा नेचर को बहुत पास से फील करना चाहते हैं तो आप खीर गंगा, मणिकरण साहिब, पार्वती नदी के किनारे जो कि रिवर साइड्स होते हैं वहां भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप छलाल, पुलगा आदि गांव में भी रुक सकते हैं। ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट इन्हीं गांव में रुकना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, रिवर साइड्स कैंपिंग में आपको 500 से 2000 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। आप होटल्स और डॉर्मेट्री के अलावा कैंपस में भी स्टे कर सकते हैं। इसमें कैंपस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं जो कि नॉर्मल कैंप पर पर्सन 1200 से स्टार्टिंग, वहीं प्रीमियम कैंप पर पर्सन 1500 से 1800 भी हो सकते हैं। इसमें आपका दोनों टाइम का खाना भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, वहीं हम यदि बात करें खाने पीने की तो आपको यहाँ खाने में इजरायली टच जरूर मिलेगा क्योंकि कसोल को मिनी इजराइल के भी नाम से जाना जाता है। कसोल में बहुत से इजरायली होटल्स और रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा आप मोमोज, नींबू शहद, मैगी, चाइनीज फूड व सी फूड का लुत्फ आसानी से यहाँ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आगे हम यह जानते हैं कि कसोल ट्रिप के लिए कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कसोल में जाने का सबसे उचित समय अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। इस समय आप नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं, साथ ही स्नोफॉल्स व एडवेंचर के शौकीन ज़्यादातर इसी महीने में आना प्रीफर करते हैं। इस समय यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री से 12 डिग्री तक होता है, पर कभी कभी स्नोफॉल के कारण इस समय रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इसके कारण ट्रैकिंग भी बंद कर दी जाती है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा आप समर टाइम जैसे मार्च से जून तक भी आ सकते हैं। इस समय ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी। आप कम सामान के साथ आसानी से ट्रैवलिंग एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही आप आउटडोर कैंपिंग व क्लियर नाइट स्काई का भी मजा यहां ले सकते हैं। पर हाँ, आप मानसून सीजन को जरूर अवॉइड करें क्योंकि इस समय लैंडस्केप व बारिश के कारण रोड काफ़ी फिसलदार व डेंजरस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कसोल ट्रिप में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कसोल में घूमते हुए आप कई खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खीर गंगा की। तो फ्रेंड्स, पूरे कसोल में यदि आपको सबसे परफेक्ट समय बिताने के लिए कोई जगह है तो वह यही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हरियाली, पहाड़ी व पेड़ों से घिरे दृश्य को देखने का मौका मिलेगा। इसे शिव जी की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है। फ्रेंड्स, खीर गंगा ट्रैकिंग के लिए भी फेमस है। इसकी ट्रैकिंग की दूरी लगभग 13 से 15 किलोमीटर है। यह ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है तो आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप यहीं पार्वती नदी के किनारे टेंट और गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की है। दोस्तों, यदि आप कसोल की प्लानिंग करते हैं तो आप यहाँ ज़रूर पहुँचें। वहीं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पार्वती घाटी की। तो यहाँ आप अलग ही प्रकार का सुकून महसूस आपको होगा। यह पार्वती नदी के किनारे पर ही बसी है जो बर्फ से ढकी है तथा हरी भरी पहाड़ियों के बीच नदियों पर बसा है। आप यहाँ बैठकर प्रकृति की बृहत्तम दृश्य को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा आप मलाना गांव की सैर पर भी निकल सकते हैं। यह गांव अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। वैसे तो यहां विश्व भर के टूरिस्ट व सैलानी पहुंचते हैं, पर भी यहां की संस्कृति, रीति रिवाज व परंपराएं अलग हैं। यह गांव कुदरती खूबसूरती व प्रकृति के बीच हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैक की सीमा लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक है। दोस्तों, वहीं आगे हम बात करते हैं तोस की। तो यह तोस नदी से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक पहाड़ी गांव है जो मेनली हिमाचली सुंदरता के कारण जाना जाता है। यहां एडवेंचर प्रेमी जरूर आते हैं। ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहां ट्रैक की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की है। आपको यहाँ के सुंदर बर्फ से ढके पर्वत, पहाड़ व हरियाली, हरे भरे दृश्य यहाँ मंत्रमुग्ध कर देंगे। वहीं दोस्तों, आपको यहां पर म्यूजिक व नेचर का एक अद्भुत संगम देखने मिलेगा। दोस्तों, आइए आगे हम बात करते हैं मणिकरण की। तो यह एक गुरुद्वारा है जहां पर आपको एक खुशनुमा व शांति का माहौल मिलेगा। यह व्यास व पार्वती नदी के मध्य पर ही है जो अपनी ओर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा 24 घंटे खुला होता है और यहाँ आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। साथ ही 24 घंटे लंगर की सुविधा आपको यहाँ मिलती रहेगी, तो आप कभी भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह कसोल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहीं पर एक गर्म पानी का कुंड भी है। इस पानी में गठिया व त्वचा संबंधी रोगों से आराम मिलता है। दोस्तों, आगे आप शॉपिंग मार्केट भी घूमने जा सकते हैं। यह मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के पीछे ही लगता है जहां आप कुछ यादगार चीज़ों को खरीद सकते हैं, जैसे कि पेंडेंट, कीमती पत्थर, टी शर्ट, कैप, वुलन क्लोथ्स व सनग्लासेस यहां से आप खरीद कर रख सकते हैं। यहां पर आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी सामान ले सकते हैं। आपको ज़्यादातर हिमाचली टच वाले सामान आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा आप पुलगा गांव की सैर पर जा सकते हैं। यह एक छोटा गांव है जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं और घूमने में भी बहुत मज़ा यहां पे आपको आने वाला है। यहां पर आपको छोटे छोटे लकड़ी के घर और कैफे देखने मिलेंगे। यहां पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। फिर यहां पहुंचने के बाद आप पर्वतीय हवा व शांति को इन्जॉय कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों आगे हम छराल गांव भी जा सकते हैं। यहां पर पहुंचने के लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। आप पार्वती नदी के किनारों पर ही आगे बढ़कर छलाल पहुंच सकते हैं। यहां पर आप एक साथ गर्म पानी की झीलें तथा पहाड़ व हरे भरे सीन कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप भुंतर की सैर तथा कसोल का एडवेंचर कैंप, तीर्थन घाटी, मंकी पॉइंट व सनसेट पॉइंट तथा नग्गर गांव की यात्रा पर भी जा सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम कुछ कोरोना गाइडलाइंस की बात कर ले जो आपके सफर को और भी आसान बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों टूरिस्ट को यहाँ मास्क, सैनिटाइजर व डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना होगा। यदि आप बाई एयर व बाई ट्रेन जा रहे हैं तो एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर 2 घंटा पहले ही चेक इन करना होगा। दोस्तों टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एडवाइजरी चेंज होते रहती है, तो आप यात्रा की प्लानिंग के साथ ही साथ इन बातों पर भी ध्यान अवश्य दें। दोस्तों कुछ सुझाव जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर देना चाहूँगा, आप यहाँ किसी भी यात्रा गाइड को बाद में होने वाली मनमानियों से बचने के लिए पहले ही रेट को फिक्स जरूर करें। साथ ही आप बिना गाइड के भी यात्रा यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहाड़ी एरिया होने के कारण मानसून सीजन में जाने से यहाँ बचे। आप अपने साथ गर्म कपड़े, पानी, कैप, सनग्लासेस व छाता तथा ट्रैकिंग शूज यंत्र ले जाना ना भूलें। फ्रेंड्स आप कसोल में बहुत से पार्टी और फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकते हैं, जिनमें आप हाउस पार्टीज, म्यूजिकल पार्टीज व न्यू पार्टीज पर जा सकते हैं। साथ ही बहुत से फेस्टिवल होते हैं जो सीजनेबल होते हैं, कुछ समर तो कुछ विंटर में मनाए जाते हैं, जैसे कि EMF, इंद्रासन फेस्टिवल व समर्स में हिल्स फेस्टिवल फेमस है। दोस्तों यहाँ पे कई पार्टीज में तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी इन्वाइट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क व इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत कम ही आती है, तो आप कसोल में भी अपनों से आसानी से कनेक्ट रह सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर कपल्स व फैमिली सभी आते हैं, पर आपको ज़्यादातर यहाँ यंगस्टर्स ही दिखाई पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं लगने वाले कुल समय व कुल खर्चों के बारे में। तो फ्रेंड्स मेरी जर्नी के अनुसार आप 3 से 4 दिन में पूरी कसोल को आसानी से कवर कर सकते हैं। साथ ही यदि लगने वाले कुल खर्च की बात करें तो आपके टिकट व होटल की खर्चे को निकाल दे तो आप 3,000 से 3,500 रुपये में आसानी से इस पूरे ट्रिप को कवर कर सकेंगे। और हाँ फ्रेंड्स यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं और कितनी सेविंग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी यात्रा में जरूर काम आएगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने इस ट्रिप को किस प्रकार एंजॉय किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों वहीं आप कसोल से कुल्लू मनाली की ट्रिप पर भी जा सकते हैं, जो केवल कसोल से 75 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसके लिए आप हमारी कुल्लू मनाली की वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों हमारी कामना आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।